आप सभी को ऐसी एस्टेब्लिश की 10वीं एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का दिन हम सबके लिए बहुत ही गौरवशाली है। मैं जितने भी हिंदुस्तान से आबू धाबी में पधारे हुए सभी फाइटर्स का, सभी लीडर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज पूरा हिंदुस्तान हमें देख रहा होगा कि एसपी के पहले अपनी 10वीं एनिवर्सरी किस रूप में मना रही है। वो तो कल हमें सचिव सर ने बताया, दिखाया कि ये कंपनी कैसे बनी। मतलब मैं बहुत बार अंदर से भावुक हो रहा था और ये समझ में आ गया था कि वास्तव में ये कंपनी संजीव सर ने नहीं बनाई, साक्षात भगवान ने बनाई। संजीव सर तो बोलते गए, जैसे जैसे भगवान ने बोला वैसे वैसे सर चलते गए। साथ में हमारे आमजन सर मिले और उन दोनों ने जहां जहां भगवान ने जैसे जैसे बोला और चलते गए। दोस्तों, हर इंसान का जीवन में सपना होता है कि मैं भी अपने जीवन में जिस कंपनी में काम कर रहा हूं बड़ा पद हासिल करूं, बड़ा पैसा कमाऊं, बड़ा नाम मेरा हो। लेकिन ये सारे ख्वाब ट्रेडिशनल मार्केट में होते थे, डायरेक्ट सेलिंग में नहीं होते। लेकिन इस भ्रम को तोड़ा है ऐसी बैनर से। आज डायरेक्ट सेलिंग के डबल डिजिट में हम आए हैं और ये प्रूव कर दिया है कि डायरेक्ट सेलिंग में पद भी मिलता है, पैसा भी मिलता है और विदेश में आकर के एनिवर्सरी भी मनाने को मिलती है। अब आप यहाँ आए गए हो एनिवर्सरी मनाने के लिए, तो पहले एनिवर्सरी के तो लाइन बना देता हूं। इतनी तारीफ बने और मिलकर के सभी मनाएंगे। वादा करते हैं अगले वर्ष इतिहास में लिख कर आएंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा जीवन मुझे मिलेगा। मैं जरूर ऐसे पैलेस में आया था, मुझे क्या, शायद किसी को भी ऐसा नहीं पता था कि हम इतने लंबे जाएंगे। क्योंकि डायरेक्ट करेंगे कैरियर हमारे एमडी साहब ने डायरेक्ट सेलिंग की डेफिनेशन को बदला है। डायरेक्ट सेलिंग के जो लोग बोलते थे उन सारी भ्रम को तोड़कर बताया है कि डायरेक्ट सेलिंग गरीबों का नहीं, डायरेक्ट सेलिंग विजनरी लोगों का बिजनेस है। जाने का मौका मिला भारतीय सेना में, करीब 18 साल मैंने जॉब किया है। जॉब करते करते मेरी मुलाकात, सौभाग्यशाली हूं मैं, कुछ लोग कहते थे मथुरा वृंदावन में कि कृष्ण के जमाने में जो बाल और गोपी हुए थे वो बड़े लकी थे। मैं कहता हूं मैं संजीव सर के युग में पैदा हुआ हूं, मैं बहुत लकी हूं और आप भी लकी हैं। यकीन तो नहीं हुआ था, लेकिन इसलिए काम किया था कि खानदान में तो कोई मुझे करोड़पति कहता नहीं है तू बन सकता है, कम से कम ये कह तो रहे हैं कि तू बन सकता है। और उस शब्द पर मैंने काम करना शुरू किया था। और दोस्तों, 18वीं ये पार्ट टाइम किया, फर्स्ट अगर 2016 से आर्मी को छोड़कर फुल टाइम आज मैं काम को कर रहा हूं। आज मुझे करते करते आज डबल डिजिट में हम आ चुके हैं और डबल डिजिट में पहुंचते पहुंचते मेरी जिंदगी
थाईलैंड में मनाया था और 10 की दहाड़ लगा के जा रहे हैं दुबई से।